कोरोना समय रे शिशु गृह रे तीनोटी शिशु को करागला इस्लाम रे धर्मांतरीकरण। शिशु गृह रो नाम नवजीवन। हसीन परवेज हेउछंती एही शिशु गृह रो परिचालक। जानिबा परे एक्शन मूड रे शिशु कमिशन देले कठोर कार्यानुष्ठान पाए निर्देश। समय रे जतेबेले अनेक संगठन लोकमानकर सेवा रे लागिथिले मानविकतार सेवा करूथिले सेतेबेले किछि एभली संस्था मध्य थिले जे माने सेवा आळरे धर्मांतरीकरण कार्य करूथिले। मध्यप्रदेश रायसेन जिल्ला रे एक शिशु गृह रे तीनि जण हिंदू शिशु को सेवा आळरे मुसलमान करि देथिबा नै घटना सामना कसिछि। साधारणतः एभली धर्मांतरीकरण कार्य ख्रिस्टियन मिशनरी मानक द्वारा करा जाउथिबा बेले एहि मामलारे इस्लाम रे धर्मांतरीकरण करा जायतिबा घटना समस्तंकु आश्चर्यचकित करि दैछि। एहि घटनारु स्पष्ट होइ जायछि जे केवल ख्रिस्टियन मिशनरी नुहे बरंग इस्लामी शक्ति माने मध्य सेवा नामरे धर्मांतरीकरण कार्यरे लिप्त अछन्ति। जेउ शिशु गृहरे एहि धर्मांतरीकरण कार्य करा जायछि ताकु हसीन परवेज नामक एक व्यक्ति परिचालना करिथाय। करोना कालरे एही पिला माने सेमानक परिवार ठारु कोनोसी कारणरु अलगा होई जैथिले। एही पिला माने एही शिशु गृहरे रहुथिले। शिशु गृहर परिचालक परवेज एही पिला मानक मुसलमान नामरे परिचय पत्र तयार करि देछि ओ एथिरे से निजकु एही पिलांकर अभिभावक बोली दर्शाइछि। राष्ट्रीय शिशु अधिकारी कमिशनर अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ए संपर्क करे जानिबा परे रायसेन रो जिला प्रशासन को एही शिशु गृह परिचालक विरुद्ध रे मामला रुजू करबा को निर्देश दैछंती। स्थानीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार मुसलमान कर दिया जाइथिबा एही पिला मानकर वयस 4 6 ओ 8 वर्षर। एमानक मध्यरु दुई जण झियो होइथिबा बेले जणे पुओ रहिछि। एहि पिला माने मध्यप्रदेश दमोह जिलार ओ हिंदू ओबीसी वर्गर बोली जणापड़ी। करोना लॉकडाउन समय रे एमाने मंडीदीप अंचल रे निजर माता पितांक ठारु अलगा होई जाइथिले। सेतेबेले एहि पिला मानकु भोपाल शिशु कल्याण समिति रे दिया जाइथिला। परे एमानकु रायसेन स्थित शिशु कल्याण समिति को पठाई दिया जाइथिला। परवेश द्वारा चला जाउथबा एहि शिशु गृह को सरकार को द्वारा अनुदान मिलथाय। राष्ट्रीय शिशु कल्याण कमिशनर रो अध्यक्ष प्रियंका कानून को एहि शिशु गृह को अनुध्यान पई गला बेले एहि पिला को संपर्क रे तांकर संदेह हला ओ से जांच पई आदेश दिथले। एबे परिचालक को विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान हेबा सह पिला मानकर असल माता पिता को खोजा चलिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।